पेपर लीक की वजह से रह गया, जो मेहनत कर करके फौज में भर्ती होता था, जिस नौजवान का सपना होता था कि वर्दी पहनेंगे पक्की नौकरी मिलेगी, लेकिन वो नौकरी भी इन्होंने छीन ली। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहाँ पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं, चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। और सीमा यहाँ तक ये बीजेपी के लोग मांग गए, इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। बताओ खाद की बोरी से चोरी हुई कि नहीं हुई? पहले 5 किलो हुई, फिर 5 किलो हुई, बताओ 10 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूँ ये बोरी की चोरी कहाँ से सीख करके आए हैं। वो देखा होगा बाजार में आपने पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था, अब कितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया। बताओ वो बड़ा पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई, आप देख लेना पार्ले जी बिस्किट पैकेट का 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। आपकी मोटरसाइकिल महंगी कर दी कि नहीं कर दी? आपका तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। क्या हमारी भविष्य की पीढ़ी का चुनाव है भाई? संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। इसलिए मदद करिए, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार शरद प्रसाद जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। जिताओगे आप लोग? ऐसा तो नहीं है बूथ पे जाने के लिए घर आ जाओ आप लोग। बीजेपी वाले रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? एक क्रांतिकारी धरती वाले लोग हैं, रुकने वाले नहीं हैं। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं? ये कुछ लालच से बूथ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं? ये घालमेल करें तो बच के रहोगे? इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके वोट डालना। 4 तारीख ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे, और खुशियों के दिन हमारे हाथ पे तो आएंगे ही आएंगे। इन हमारे प्रेस वालों के लिए आजादी का दिन होगा, सुनहरा दिन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। न केवल सरकार बदलने जा रही है, मित्र मंडली बदलने जा रही है। मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा 4 तारीख को। जो सुनाते हैं मन की बात, अब होगी संविधान की बात। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।